अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं बताऊंगा आप अपनी वीडियो पर पेड प्रमोशन को कैसे अनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यूट्यूब में वीडियो जिसके ऊपर मैंने पेड प्रमोशन नहीं लगाई हुई, और पेड प्रमोशन लगाने से और ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अभी ये कंप्यूटर कीबोर्ड 42 शॉर्टकट कीज विद डिटेल, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेड प्रमोशन नहीं है इसके ऊपर, अब देख सकते हैं ये मैं इसको, ये देखें आप स्टार्ट से, मतलब इसके ऊपर पेड प्रमोशन नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर आपको पेड प्रमोशन लगा के मैं आपको बताता भी हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है, क्रोम ब्राउज़र में जाके आपने यूट्यूब में लॉग इन होना है, जिस तरह के मैं पहले ही लॉग इन हुआ हुआ हूँ। तो आपने यहाँ से डेस्कटॉप पे जाना है, बैक करें, आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से यूट्यूब पे जाना है। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे आपके चैनल का ये आइकन नज़र आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है, क्रिएटर स्टूडियो पे जाना है। यहाँ से आपने देखना है वीडियोस मैनेजर, अभी आपने इसके ऊपर जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक किया तो यहाँ आपकी सारी वीडियो आ गई हैं। अब ये देखें आ गई हैं, आपने इस एरो पे क्लिक करना है, इन्फो एंड सेटिंग पे क्लिक करना है, ये 4 ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन, एडवांस सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही एडवांस सेटिंग पे आपने क्लिक किया आप ये देख रहे हैं, ब्रांड्स पेड प्रमोशन सच एज पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट या एडवर्टाइजमेंट, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, दिस वीडियो कंटेंट हेल्प पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही ये सेव हो जाएगा तो आप इसको, मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ, आप ये देख लें इस पे इंक्लूड पेड प्रमोशन आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ जनाब। ये सेव किया और ये इसके ऊपर डिसेबल हो गया, इस पे पेड प्रमोशन नहीं आ रहा होगा। आप इस पर देख सकते हैं कि पेड प्रमोशन इस पे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पेड प्रमोशन को अनेबल करने का क्या फ़ायदा है। पेड प्रमोशन अनेबल करने का मकसद ये होता है कि जब भी कोई भी बंदा आपकी वीडियो देखेगा उस पर लिखा होगा पेड प्रमोशन, मतलब ये उसे इजाज़त मांग रहा है। दूसरा इससे इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर एड भी लगेगा और जो एड आपकी वीडियो के से रिलेटेड होगा, इससे आपको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ भी देना है इसका। आपको एक वीडियो पे मैंने पेड प्रमोशन 1,20,000 लेकिन अर्निंग आपको दिखा भी देता हूँ। अब के ऊपर इंक्लूड पेड प्रमोशन नहीं है, 3,37,213 व्यूज हैं, ठीक है, और 28 दिन के व्यूज हैं, 1,90,000 इस पे है। तो इस पे डॉलर जो आए हैं मेरे 12 डॉलर आए हैं, आप देख लें यहाँ से 90,900 डॉलर जो आए हैं वो मेरे हैं 12 डॉलर, ठीक है, 90,000 व्यूज पे 12 डॉलर। इस पे इंक्लूड पेड प्रमोशन नहीं है, आप इसको देखते हैं इंक्लूड नहीं है इसके ऊपर, आपने देख लिया इंक्लूड प्रमोशन इसके ऊपर नहीं है। अब मैं आपको फिर आपको दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये मेरा नेटवर्क मसला है, इसकी वजह से मसला आ रहा है। मैं आपको
करता हूँ, पर मैंने इंक्लूड पेड मेंशन लगाया है। इस पे आप देखें व्यू पे मुझे मिले हैं $7, वहाँ मिले थे 90,000, और यहाँ ये फैट इसके ऊपर पेड प्रमोशन इंक्लूड प्रमोशन है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, प्ले नहीं हो रही थी। मैं आपको प्ले कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कोई वीडियो। चार या पांच माह से मैंने ये इंक्लूड पेड प्रमोशन को अनेबल किया हुआ था। मेरा हर बंदा ये बता, ये देखें कि आपकी अर्निंग इससे बढ़ सकती है। आप देख लें 6,791, मतलब $1,000 आपको मिलेगा, $1 मिलेगा व्यूज पर। तो आप इसको अनेबल करना चाहते हैं या नहीं, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आपको मिल जाए। तब तक के अल्लाह हाफिज़।